ऑन द कैमरा छापा पड़ेगा। हाय, कल कैसे पाइनएप्पल दिया था, बात कर पहले, ठीक है? फिर जिन कस्टमरों ने पिया है वही रिव्यू देंगे तुझे आज, ठीक है? कल ये लोगों ने भी मुझे सड़ी हुई मौसमियाँ दी थी, वो उसने पाइनएप्पल मुझे खराब वाला दिया था, आप लोगों ने पिया, जिन्होंने बोला कि ये जूस बिल्कुल फीका है, अच्छा वाला नहीं है, वो पाइनएप्पल वाले भैया वो हैं और मौसमी वाले भैया ये हैं जो हमेशा मुझे मौसमी खराब देते हैं। और इस लड़के ने चोरी से रख दिया था ऑटो में, मुझे बिना बताए, बिना मांगे, बिना पूछे, ठीक है? और ये संतरा है, अगर किसी को संतरा खाना है मुझे बताओ, मैं रख लेती हूँ फिर संतरा भी। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे, आपकी दुआ से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। सो मेरा नाम जाने, मेरा नाम शनाज अख्तर, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल शनाज व्लॉग्स। सभी का खुशामदीद हो गया मेरे YouTube चैनल में, और दुआ और उम्मीद है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और खुश और आबाद रहें। जो हमारे गुजर गए हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह ताला मेरी मम्मा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बस यही दुआ और उम्मीद के साथ मैं अपना व्लॉग कर रहे हैं। स्टार्ट किया तो मैंने रास्ते से था, जब मैं मंडी गई थी वहाँ से स्टार्ट किया था, लेकिन अभी दुआ सलाम, मैंने कहा चलो यहाँ से शुरू कर देते हैं अपना व्लॉग। तो आज अच्छे कस्टमर आए थे सुबह सुबह मेरे पास, माशाल्लाह से एक यूनिवर्सिटी वाली लड़की आई थी, क्योंकि वो मेरे व्लॉग्स मैक्सिमम देखती रहती, मेरी वीडियो सारी वो देखती हैं, वो आई थी, उसने फोनी करवाई थी। और उसके बाद में फिर मेरे पास आ गए, कश्मीर से आए थे कुछ कस्टमर, वो सरदार हैं, बट ऐसा है कि वो मतलब कश्मीरी लोग पता ही आपको कैसे खाने पीने वाले होते हैं। उन्होंने एक नारियल पिया, जूस पिया, दूसरे वाले भैया एक उनके साथ में थे वो जम्मू के थे, उसको बोला आप जूस नहीं पीते, वो बोले लगा नहीं यार मैं नहीं पीता, बोलता है कि हम कश्मीरी हैं, कश्मीरी खाने पीने वाले, बोला मैं कश्मीर से हूँ तो हम तभी खाते हैं खाने पीने वाले। मैंने कहा कश्मीरी लोग बहुत खाते हैं और वो जब खाते हैं तो वो टेंशन नहीं लेते पैसा खर्च होगा, हमारे जम्मू वाले बोला कि वो कहने लगे जम्मू वाले क्या खाते हैं राजमा चावल। जो जम्मू वाले भैया थे बोलने लगे हम तो बस राजमा चावल या फिर जब वो बोलते छोला पूड़ी किस, हाँ छोला पूड़ी वो, और पता नहीं क्या क्या ऐसे, इतना हंसी मतलब थोड़ा सा हंसी मजाक बहुत अच्छा लगा कि जब सुबह सुबह आपको अच्छे कस्टमर आते हैं ना तो दिन इतना खुशी से इतना अच्छे से निकल जाता आपका कि पता ही नहीं चलता है कि अगर दिन में कोई प्रॉब्लम भी हो कोई कुछ भी हो ना, जब सुबह आपकी अच्छी हो तो दिन भी आपका अच्छा जाता, फिर वो मतलब नेगेटिव वो भी जो भी मतलब नेगेटिविटीज़ आती हैं दिमाग में वो नहीं रहती हैं, तो मतलब कि एक फ्रेश डे होता है, एक अच्छा लगता है, एक महसूस अच्छा होता है। तो बस आज मैंने आपको पता है शिकायत भी की थी भैया औरों को कि कल आपने मुझे सामान अच्छा नहीं दिया था, उन्होंने बोला फ़ोन करना था, मैंने कहा यार मेरे पास तो आप लोगों का नंबर नहीं है, प्रीतम सर का उनको बताया था, तो फिर उन्होंने बोला मुझे फ़ोन कर दिया करो, अगर मतलब ज़्यादा कच्चा हो तो हम भेज दिया करेंगे आपको यहाँ से। जो कल के 5 नारियल बिके बचे थे वो बेच दिए हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अभी जनाब वाला एक अंकल ले गए, उसके बेटे को डेंगू हुआ है वो ले गए हैं उनके लिए, वो मैक्सिमम आते रहते हैं यहाँ से, लेकिन आज फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे से नारियल ख़रीदा, और बोल रहे थे मेरे पास वो भी है वो नहीं दूसरा बॉक्स जिसमें चाट फ्रूट लगाते हैं वो वाला, तो बोला फिर मेरे से ले लेना आप, तो फिर सर्दी में फ्रूट चाट लगाना, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं देखेंगे। और वेदर देखिए कितना खूबसूरत है, मैं पार्क के बिल्कुल इस साइड में हूँ, बिल्कुल साइड में ये देखिए ये गेट है और यहाँ पर मैं हूँ। आज रिज़ल्ट भी है, पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर की किस्मत का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस यहाँ से हमारी शुरुआत होती है और हंसी खुशी से शुरुआत होती है, अल्लाह ताला सब लोगों को अपने घर में खुश हाल रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, मेरी तो हमेशा यही दुआएं हैं सबके लिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला जो भी करेगा मेरे लिए बेटर करे, बस अच्छा करे, जिसमें अल्लाह ताला राज़ी है वही काम करना चाहिए, बाकी दुनिया का क्या है, दुनिया तो चलती रहेगी जैसे तैसे, तो ये दुनिया का सिलसिला चलता रहेगा। अभी हम थोड़ा बैठते हैं, दूसरी वीडियो का थंबनेल बनाते हैं, वो बनाते हैं, उसकी सेटिंग वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद जैसे जैसे कस्टमर आते जाएँगे वैसे वैसे अपना काम करते जाएँगे। आज मौसम भी थोड़ा ठंडा ठंडा है, वैसे अच्छा मौसम है माशाल्लाह। अभी 5:40 बज रहे हैं, दिन में मैंने कुछ शूट नहीं किया, सुबह सुबह किया था दिन में, फिर कुछ नहीं ऐसी न्यूज़ वगैरह देख रहे थे आज, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग चढ़ाने वाले भी हैं, तो फिर देख रहे थे न्यूज़।
तो फाइनली एनसी जीत चुकी है। अब पता नहीं, मैंने तो वोट किसी को नहीं डाला, लेकिन घर वालों ने नहीं पता किसको डाला है किसको नहीं डाला है। हमारे वहाँ पे इम्तियाज शान था जो पीडीपी से था, लेकिन पीडीपी तो ज़ीरो लेवल पे ही है, ज़ीरो ग्राउंड पे ही ख़त्म होगी बेचारी। लेकिन बहुत बड़ी बात है एनसी के लिए कि एनसी बहुत ज़्यादा लीड कर रही है माशाल्लाह से। तो वही देख रहे थे, तो यहाँ पे चढ़ाने वाले भी हलवा शलवा बन चुका इस तरफ में। जो यहाँ पे साथ वाले रेडी लगाते ना उस साइड, उनका कोई मतलब अपना कैंडिडेट उठा था बीजेपी में, वो जीत चुका है, वो हलवा बांट रहे थे। मैंने ऐसे रील डाल दी, मैंने एनसी जीतने की खुशी में हलवा खा ले। तो पता नहीं लोग कितने बुरे कमेंट करेंगे वहाँ पे, अल्लाह बचाए लोगों से। वो फिर ऐसे हो जाता ना, मतलब एक बंदा फन में वीडियो डाल देता, वो लोग उसको सीरियस समझ लेते हैं, पता नहीं क्या है ये वो। बाकी यार हमें क्या दे रही है सरकार, या आज से पहले क्या दिया आप देगी हमें, तो हमें खुद दिहाड़ी लगा के खाना है। अगर सरकार कुछ देती होती तो फिर मैं यहाँ रोड पर नहीं खड़ी रहती। बट अल्हम्दुलिल्लाह से कि हमें दिहाड़ी लगा के खाना है हमें, बाकी किसी ने कुछ नहीं देना, लेकिन एक होता है वो। तो अभी फ़िलहाल के लिए कुछ व्यू ऐसा है, देख सकते हैं बादल हल्के हल्के वाइट वाइट बादल है, ब्लू कलर का आसमान है माशाल्लाह से। लोग बड़ा घूर के देख रहे हैं लड़की क्या कर रही है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको यहाँ का विज़िट करवा दिया जाए, थोड़ा सा अपडेट कर दिया जाए। इसीलिए आज काम काफ़ी ज़्यादा कम निकल रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया। आज हरी जीतने की खुशी में चला गए हैं, वो चार नारियल बचे हुए, नारियल वैसे 15 थे, चार बचे हुए हैं, नारियल निकला, बाकी मौसमी और पाइनएप्पल इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं निकला आज। वहाँ से देखिए सनसेट हो रहा है, ये देखने सनसेट हो रहा है, कितना प्यारा ब्यूटीफुल लगता है जब सनसेट होता है, जैसे सूरज ग्रूब होता है, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है माशाल्लाह से। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब सुबह शाम ना ठंड होती है हल्की हल्की, पहले ऐसा होता था कि वो होता था गर्मी गर्मी होती, अभी भी गर्मी है लेकिन थोड़ा सा ठंडी हवा। अब लेट नाइट शाम को थोड़ा सा मतलब ऐसे होने लगा है कि थोड़ा ठंड लगना स्टार्ट होगी, सुबह भी ठंड लगना स्टार्ट हो गया, कुछ थोड़ा सा ऐसा मौसम हो चुका है। तो फिलहाल आगे की रूटीन देखते हैं क्या होती है, वो आपके साथ शेयर करते हैं, देते हैं काम पे ध्यान। हो सकता है अब शाम को काम निकले, कोई आए कोई जाए कोई कुछ, देखते हैं क्या होता है। व्लॉग एंड करते हैं, जो भी रूटीन थी आपके साथ मैंने शेयर की, जो भी मेरी लाइफ में होता है या मेरे काम के रिलेटेड होता है, जो भी होता है मैं आपके साथ ही शेयर करती हूँ, क्योंकि आपको अपनी फैमिली मानती हूँ, तो इसलिए सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। नेक्स्ट डे मैं आज व्लॉग एंड कर रही हूँ, रात को मैं नहीं कर पाई थी जबकि काम मैंने बंद किया, फिर उधर से वापस आई तो घर में आके फिर काम था, खाना बनाना ये वो, कितना आपको पता ही ये काम होता है। तो खाना वाना खाया, नींद बहुत ज़्यादा लगी हुई थी तो मैं आके सो गई थी फिर जल्दी से। तो रात को एक ऑटो की राइड भी ली थी मैंने, लाया था हाँ, वो भैया जा रहे थे आगे प्रेमनगर, प्रेमनगर से मैंने लिया, जेडीओ पार्क से लाया घुमा के, जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ से लाया घुमा के, और लास्ट मैंने कब्रिस्तान गेट तक लाया गुजरनगर में। जो जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं, जिन्होंने देखा होगा वो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। मैंने वो जो हमारी ये है ना गुजरनगर की ढक्की, इसमें मैंने चला के लाया, वो भैया इतना डर रहे थे, इतना डर रहे थे, ऊपर से ऑटो वाले अंकल बोल रहे थे अभी मत चला, सुबह चलाना, अभी कहीं लग जाएगी। मैं कहा चलो जो होगा अल्लाह के हाथ में है सब कुछ। तो मैंने यहाँ तक कब्रिस्तान गेट तक लाया था चला के, फिर यहाँ से भैया ने वापस लिया था, मैं अपने घर आ गई थी। तो बस फिलहाल के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन उमर अब्दुल्ला जी को, कॉन्ग्रेचुलेशन महराज मलिक को, क्योंकि महराज मलिक जीत चुके हैं आम आदमी पार्टी से, जिसमें इब्रार भैया भी थे, लेकिन किसी के कारण जो उनके सिग्नेचर नहीं हुए थे तो इब्रार भैया लड़ नहीं पाए थे। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये वाले महराज मलिक के उस पर कैसे सिग्नेचर हो गए थे, क्या हुआ था नहीं पता, लेकिन पहले इब्रार भैया भी लड़ रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इब्रार भैया आएंगे, वो अच्छा काम करते हैं, करते रहेंगे, और अपना एक ग्राउंड, एक पूरा एक मतलब अच्छे से एक अपना पहचान बनाएंगे वो ग्राउंड में। इंशाल्लाह वो जब आएंगे तो वो फर्स्ट राउंड में ही जीत जाएंगे, मुझे उम्मीद है, जैसे महराज मलिक जीत चुके हैं। तो मेरी तरफ से फिलहाल इन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, जो जो भी लोग जीते जिस जिस भी पार्टी से जीते, तो सबको मेरी तरफ से मुबारक हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपने किस पार्टी को वोट दिया था कमेंट करके ज़रूर बताना है, और एनसी को किस किस ने वोट दिया ये भी बताना है, कौन कौन उसके साथ है ये भी बताना कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।